हेलो एवरीवन, द सोल किचन चैनल के प्यारे प्यारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज सोल किचन से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कढ़ाई मिक्स वेज ड्राई सब्जी की ऐसी रेसिपी जो खाने में तो बहुत ही स्वाद है और बनाने में उससे भी ज़्यादा आसान है। तो चलिए बनाते हैं, कुक टेस्टी कुक स्मार्ट। कढ़ाई मिक्स वेज ड्राई सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई का मसाला रेडी करेंगे। इसके लिए हम गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई, उसमें एक चम्मच जाएगा साबुत धनिया, 3 से 4 काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, थोड़ी सी दालचीनी, 2 से 3 लाल मिर्च साबुत वाली और 1 चम्मच भर के सौंफ। इन सबको हम अच्छे से भून के दरदरा पीस लेंगे। ये कढ़ाई का मसाला आप घर में बना के रखिए, और भी सब्जियों में बहुत अच्छे से काम आता है। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, सब्जी में स्वाद भी बहुत बढ़ जाता है। लेकिन कोशिश करेंगे हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनेंगे ताकि ये जले नहीं। लो फ्लेम पे मसाला भून जाने के बाद गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। इस मसाले से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसको प्लेट में ठंडा करके, थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। कढ़ाई गर्म है ऑलरेडी, इसमें हम 2 चम्मच भर के डालेंगे ऑयल का। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को गर्म हो जाने देंगे। मिक्स वेज ड्राई सब्जी के लिए देखिए मैंने यहाँ पर अवेलेबल कुछ सब्जियाँ ली हैं। आप सब्जी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा या कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। इस तेल में कम ऑयल में हम इसको सबसे पहले हम इसमें गोभी डालेंगे, गाजर डालेंगे, बीन्स डालेंगे। इसको अच्छे से कंबाइन करके हम इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसको बहुत ज़्यादा हमें सॉटे नहीं करना, ये थोड़ा सा इसका क्रंच टेस्ट रहे, इसलिए इसमें हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसको सॉटे करेंगे। सॉटे करते करते इसमें थोड़ा सा जाएगा हल्दी पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा जाएगा इसमें नमक। इसको भी करेंगे अच्छे से मिक्स। अब देखिए 3 से 4 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे सॉटे करने के बाद हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो इसको ब्लांच भी कर सकते हैं, मतलब गर्म पानी में बॉईल भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें इसका थोड़ा सा पानी का टेस्ट आ जाता है। इसलिए आज मैं इसको ब्लांच ना करके बिल्कुल हल्का सा सॉटे करके आपको बता रही हूँ। फिर उसी कढ़ाई में हल्का सा फिर से डालेंगे ऑयल। अब ये पनीर के पीसेस मैंने कट करके रखे हैं, इसको डालेंगे। पनीर के सॉटे देखिए, सॉटे करते करते इसमें हम हल्की सी डालेंगे लाल मिर्च। देखिए 1 से 2 मिनट तक पनीर को सॉटे करने के बाद इसको भी हम उसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए उसी गरम कढ़ाई में ये यहाँ पर मैंने कुछ शिमला मिर्च और प्याज को काट के रखा है और 1-2 हरी मिर्च है, इसको डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। आप वेजिटेबल्स अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, कोई भी कम या ज़्यादा, या सीज़न के हिसाब से आप कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। इसमें भी हम हल्का सा डालेंगे हल्दी पाउडर, बिल्कुल हल्का सा 1 चुटकी डालेंगे नमक और बिल्कुल हल्की सी डालेंगे लाल कश्मीरी मिर्च। इन सबको अच्छे से करेंगे मिक्स। सभी सब्जियों को अच्छे से सॉटे करने के बाद देखिए उसी कढ़ाई में मैं 3 छोटे चम्मच ऑयल का डालूंगी, 1/2 छोटा चम्मच जाएगा इसमें बटर का, खड़े मसालों में 1 मोटी इलायची, 1 से 2 छोटी हरी इलायची और 2 से 3 लौंग डालेंगे। थोड़ा सा इनको सॉटे करने के बाद देखिए यहाँ पर 2 प्याज मैंने फाइनली चॉप करके रखे हैं, इनको डालेंगे। इनको भी करेंगे अच्छे से मिक्स। इस स्टेज पर गैस के फ्लेम को हम मीडियम टू लो रख के प्याज को अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए हम इसको भूनेंगे। प्याज के भूनते भूनते 1 छोटा चम्मच जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसको भी करेंगे अच्छे से मिक्स। प्याज भूनते भूनते गैस की फ्लेम को हम लो करेंगे और यहाँ पर हम सूखे मसालों की स्लरी रेडी करेंगे। थोड़े से पानी में 1/2 चम्मच जाएगा लाल कश्मीरी मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। इन सबको करेंगे अच्छे से मिक्स। अब देखिए प्याज के इतना ब्राउन होते ही हम अपने ये सूखे मसालों की स्लरी को इसमें डालेंगे और इन सबको अच्छे से करेंगे मिक्स। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे। 1 से 2 मिनट तक मसालों को भूनने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने 2 छोटे टमाटर को फाइनली चॉप करके रखा है, अब इसे डालेंगे।
इसको भी प्याज के मसाले में मिक्स करेंगे अच्छे से। स्वाद के हिसाब से जाएगा नमक, इसको भी करेंगे इसमें मिक्स। टमाटर के भुनते भुनते एक चम्मच जाएगा इसमें किचन किंग का मसाला। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पाव भाजी का मसाला या ऑल इन वन कोई भी किसी भी तरीके का मसाला डाल सकते हैं। इस तरीके से स्पैचुला की हेल्प से हम टमाटर को अच्छी तरीके से मैश करेंगे। टमाटर बहुत अच्छे से प्याज में मिक्स हो जाने चाहिए, तेल जो हमने ऑयल डाला है वो अच्छे से रिलीज़ होना चाहिए। देखिए इस तरीके से गैस की फ्लेम को यहाँ पर हम मीडियम टू लो रखेंगे। देखिए टमाटर बहुत अच्छे से हमारा भुन चुका है। अब इस स्टेज के बाद आकर हम एक चम्मच इसमें डालेंगे टोमेटो केचप, इसको भी मसाले में करेंगे अच्छे से मिक्स। इसको अच्छे से पकाने के लिए देखिए मैंने इसमें हल्का सा पानी डाला है। अब यहाँ पर गैस के फ्लेम को हम थोड़ा सा हाई करके इस मसाले को हमें अच्छे से भूनना है। हम जितना मसाला अच्छे से भूनेंगे हमारी सब्ज़ी उतनी ही अच्छी उतनी स्वाद बनेगी। बहुत अच्छा सा मसाला हमारा भुन चुका है। इस स्टेज पर आकर हम गैस की फ्लेम को लो करके हमारी ये सॉटे की हुई हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। देखिए इस तरीके से कि थोड़ा सा मैंने रोस्ट किया हुआ काजू है ये भी डाला है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिए। इन सबको करेंगे अच्छे से मिक्स। इन सब्जियों को डालने के बाद ये देखिए आधी कटोरी मेरे पास फ्रोजन मटर है जिसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था, इसे भी डालेंगे। अगर आप ये वेजिटेबल आप विंटर्स में बनाओ तो आप इसमें फ्रेश मटर डाल सकते हो, इसको भी करेंगे अच्छे से मिक्स। सब्जियों को थोड़ा सा भून जाने के बाद ये देखिए एक छोटा चम्मच मैंने कढ़ाई का मसाला जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था 1 से 1.5 चम्मच के करीब हम इसमें वो डालेंगे, बाकी आपके स्वाद के ऊपर है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी करेंगे अच्छे से मिक्स। इस स्टेज पर आकर हम बहुत हल्का से कड़छी हिलाएंगे ताकि हमारा पनीर जो है वो टूटे नहीं। थोड़ी सी डालेंगे इसमें रोस्ट की हुई कसूरी मेथी, 1 से 2 चम्मच भर के इसमें मैंने घर की फ्रेश मलाई डाली है, आप चाहें तो क्रीम भी डाल सकते हैं। इसको भी इसमें मिक्स करेंगे। अब इस स्टेज के बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करके 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रखेंगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा देर तक कवर नहीं करना है। अब देखिए 2 से 3 मिनट तक कवर करने के बाद हम ढक्कन को उठाएंगे और यहाँ पर जो हमने प्याज और कैप्सिकम को थोड़ा सा सॉटे करके रखा था अब इसे भी डालेंगे। इसको भी हल्के हाथ से करेंगे अच्छे से मिक्स। आज सोल किचन से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी हमारी सब्जी बनी है ड्राई वेजिटेबल। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अब देखिए सारी सब्जियां अच्छे से भून जाने के बाद अब लास्ट स्टेज में इसमें थोड़ा सा हम इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब पानी डालेंगे। 2 से 3 चम्मच पानी डालने के बाद हम इसको 5 मिनट तक के लिए बिल्कुल लो गैस पर हम इसको लो फ्लेम पर हम इसको पकने देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसको इसके ढक्कन को हटा के देखेंगे। अब हमारी कढ़ाई मिक्स वेजिटेबल ड्राई सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर फाइनल स्टेज पर हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे रोस्टेड कसूरी मेथी और फ्रेश कटा हुआ धनिया और इसको हम रोटी के साथ सर्व करेंगे। मिक्स वेज ड्राई सब्जी की इतनी सिंपल रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे कुछ डिलीशियस टेस्ट के साथ, कुछ डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।